शनिवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 33 आइटम पर जीएसटी की दरें घटा दी हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7 आइटम्स पर 28% से भी घटाकर 18% का फैसला लिया है और इसके अलावा भारत सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला लिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने पेनल्टीज वेव की हैं जीएसटी की। ये एक व्यापारियों को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। आज तक जिस समय जीएसटी शुरू हुआ था व्यापारी डरा हुआ था। कुछ जो हम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, हम इनकम टैक्स में करते हैं, सर्विस जीएसटी में काम करते हैं, इन लोगों ने अकाउंटेंट्स ने अपनी फीस बढ़ा दी थी। वही अकाउंटेंट जो पहले 500 रुपए लेता था एकदम 2000 रुपए लेने लग गया था। एक छोटा दुकानदार जो जीएसटी की हद में आया उसको एक महीने के 500 रुपए से बढ़ाकर जिस टाइम 2000 रुपए देने हुए वो पिस के रह गया। ऊपर से जीएसटी की रिटर्न भरवाने के लिए उसको चक्कर काटने लग पड़े वो अलग। अब जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो ये घोषणा जो भी पेनल्टीज लगी थी व्यापारियों के ऊपर या जिस भी व्यापारी ने जीएसटी की शुरुआत से अपनी रिटर्न नहीं भरी थी वो सारी पेनल्टीज को वेव करके उनको 31 मार्च तक का समय दिया है ताकि वो अपने रिटर्न्स भर सकें। और जिस भाई ने व्यापारी साथी ने जो रिटर्न भरते हुए अपनी पेनल्टी जमा करवाई है वो भी उनके खाते में अपने आप वापिस आ जाएगी। इसके लिए कहीं भी किसी सीए से किसी एडवोकेट से किसी भी उससे ब्लैकमेल होने की उनको जरूरत नहीं है। उन व्यापारी भाइयों से जिनकी रिटर्न पेंडिंग है उनसे अपील करूंगा कि बगैर पेनल्टी 31 मार्च तक अपनी रिटर्न फाइल करवा लें। जी बड़े व्यापारी जो कि चुनिंदा 5 या 4% भी नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं थी। एक व्यापारी जिसकी टर्नओवर करोड़ों में है उसको अपना सीए रखने में परमानेंट अकाउंटेंट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक छोटा व्यापारी जिसकी आमदनी सारी 20-25-30 हजार रुपए है वो कैसे तो अपना परमानेंट अकाउंटेंट रखेगा, कैसे अपना परमानेंट सीए रखेगा। सबसे ज्यादा हरास वो लोग हो रखे थे, छोटे दुकानदार हो रखे थे और ऊपर से पेनल्टीज की मार। इसमें मैं तो ये कहूंगा बड़े उन 5% लोगों को छोड़कर 95% लोगों में से इवन नॉट ए सिंगल परसेंट भी कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा जिसने आज तक अपनी पेनल्टी कोई भी जीएसटी की पेनल्टी ना भरी होगी। ये 95% व्यापारियों को फायदा है। तो जीएसटी का मैं वित्त मंत्री जी से एक अपील करूंगा कि व्यापारी टैक्स देना चाहता है, व्यापारी चोर नहीं है, लेकिन व्यापारी के पास समय की कमी है, उसको इतना मत उलझाइए। विपक्ष गुमराह कर रहा है। जीएसटी के अंदर जितनी कमियां थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और जिस समय जीएसटी लोगों को समझ में आ जाएगा आ चुका है। पहले शुरुआत से लेकर 70 या 80% फर्क पड़ चुका है और उसके बाद तो इतना सरल लगेगा कि जीएसटी से ही मेरे को सुन के एक बड़ा अजीब सा लगा। जो कांग्रेस पार्टी है वो वैसे क्या करेगी, महंगाई को लेकर बंद का आह्वान करवाएगी और करवाएगी। जब जीएसटी को कम किया वित्त मंत्री जी ने, उन्हीं मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने इस पर अटैक उठाया कि ये कम करना, जीएसटी के रेट कम करना गलत है। कम से कम लोगों को जो राहत रोड़ा नहीं बनना चाहिए, जो राहत मिलते हैं आप क्या करते हैं, कर्ज माफी करते हैं। कर्ज माफी का पैसा भी तो इन दुकानदारों से जाता है। किसानों की कर्ज माफी कीजिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन छोटे दुकानदारों का, व्यापारियों का टैक्स कहां से आएगा? वो पैसा हमसे टैक्स लेंगे, हमारी पेनल्टी से क्यों जाए? मैं उन सभी व्यापारियों के साथ हूं और मैं उन किसानों के साथ भी हूं, लेकिन ये गलत है। एक व्यापारी, छोटा व्यापारी, वो भी तो कमा रहा है, वो भी तो मजदूर है, किसान है,